हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल जाए। तो स्टूडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.9 का क्वेश्चन नंबर 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सेक्शन डी में इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। द फ्रंट कंपाउंड वॉल ऑफ अ हाउस इज डेकोरेटेड बाय वुडन स्पेयर्स ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर। तो जो कोई घर है जिसका फ्रंट कंपाउंड जो है उसके ऊपर इस तरह से वुडन यहाँ पे वॉल है, उसको इस तरह से डेकोरेट किया हुआ है। हाउस के अंदर एक वॉल है बाहर की तरफ, तो ये यहाँ पे क्या है, वुडन स्पेयर्स है जिनका डायमीटर कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे इनका डायमीटर बना देती हूँ 21 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लेस्ड ऑन स्मॉल सपोर्ट एज शोन इन द फिगर। तो फिर ये स्पेयर को ऐसे ही तो नहीं रह सकता, इसके वो सपोर्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो शेप है, इस शेप से इसको क्या दिया हुआ है, स्मॉल सपोर्ट दिया हुआ है। एट सच स्पेयर्स आर यूज फॉर दिस पर्पज एंड आर टू बी पेंटेड सिल्वर। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह के टोटल कितने स्पेयर्स है, 8 स्पेयर्स है, और इनको यहाँ पे यूज टू फॉर द पर्पज एंड आर टू बी पेंटेड सिल्वर, और इनको क्या किया हुआ है, सिल्वर कलर से पेंट किया हुआ है। ईच सपोर्ट इज अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर। और फिर ये जो सारे यहाँ पे सपोर्ट है, ये आपके सिलेंडर शेप में, और ईच का जो रेडियस है, यानी कि यहाँ पे आपको आर कितना गिवन है, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इन सिलेंडर की हाइट आपको यहाँ पे गिवन है, हम इसको एच ले लेते हैं, ये कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। एंड इज टू बी पेंटेड ब्लैक, और इनको किस तरह ब्लैक किया, पेंट किया ब्लैक से, ये है आपके सिल्वर कलर में पेंट और ये है आपके ब्लैक कलर में पेंट। फिगर अच्छे से समझोगे तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंट रिक्वायर्ड इफ सिल्वर पेंट कॉस्ट 25 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्लैक पेंट कॉस्ट 5 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे इनको पेंट करने का खर्चा बताना है। सिर्फ ये जो लॉलीपॉप जैसी शेप दिख रही ना, एक तो ये सिलेंडर और ये स्पेयर, सिर्फ इन दोनों को कलर पेंट करना है। तो इसके लिए कितना कलर लगेगा, उसके लिए कितना कलर लगेगा, जितना कलर लगेगा उस कलर का रेट हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि सिल्वर पेंट का जो कॉस्ट है पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे इतना पड़ता है, ब्लैक के लिए इतना पड़ता है, तो टोटल कितना आपको कॉस्ट लगेगा। तो जब भी कॉस्ट की बात आती है, क्योंकि पेंट हमेशा हम सरफेस पे करते हैं, तो हम यहाँ पे इस स्पेयर का 8 स्पेयर और 8 सिलेंडर का एरिया फाइंड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो रेट गिवन है उससे हम कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो गिवन राइट कर लिया, डायमीटर ऑफ वुडन स्पेयर 21, तो रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पे, 21/2 हो जाएगा। तो इसको हमने इस स्पेयर के जो हमारी रेडियस है उसको हमने कैपिटल आर ले लिया, डायमीटर को कैपिटल डी ले लिया। फिर सिलेंडर का रेडियस है उसको हमने स्मॉल आर ले लिया और हाइट को स्मॉल एच ले लिया। तो इसको हम यहाँ डेसिमल ले, तो सॉल्व करते हैं, डेसिमल हटाया, डिनोमिनेटर में 10 आ गया, 5 से कैंसिल हो गया, 3 टाइम 5 से कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो 3/2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। फिर सरफेस एरिया ऑफ सिल्वर पेंटेड स्पेयर, यानी ये जो स्पेयर है ये एक बॉल की तरह है, आप इस तरह से समझो, जैसे ये वाला, ये स्पेयर इस तरह का शेप है, इस पूरे पे आपको क्या करना है, सिल्वर पेंट करना है। बट एक चीज आप यहां पे देखो, जब हम इसको इस तरह से एक इसके ऊपर क्या हुआ है, बेस बनाने के लिए, यानी इसको सपोर्ट के लिए किसके ऊपर खड़ा हुआ है, तो ये इसका सिलेंड्रिकल सपोर्ट हो गया। तो इसको ये इस तरह से इसके ऊपर ये लगेगा, तो ये इसने जिस पोर्शन को यहाँ पे कवर कर दिया है, देखो यहाँ पे जैसे ये वाला पोर्शन इसने कवर कर दिया, तो जो कवर हो गया उसके ऊपर तो आप पेंट करोगे नहीं, ये वाला पोर्शन तो छूट जाएगा। तो आपको इस पूरे स्पेयर के अंदर से क्या करना है, ये जो पोर्शन यहाँ से हाइड हो गया, ये इसी तरह की शेप बन रही है ना, ये वाली देखो इस तरह से शेप बन रही है, तो जो पोर्शन यहाँ पे हाइड हो गया उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी पूरे स्पेयर के सरफेस एरिया को ऐड करना है। तो ये आप यहाँ पे देखो, तो ये देखो बिल्कुल इस तरह से ये वाला एरिया क्या होगा, ये जो सिलेंडर है ये पूरा इसको कवर कर रहा है, तो इतने एरिया को हम पेंट नहीं करेंगे। तो इस सर्कल का ये जो स्पॉट बन रहा है, इसका एरिया आप कहाँ से फाइंड करोगे, तो ये जो हम इससे सिलेंडर शेप से कवर कर रहे हैं, तो ये जो सिलेंडर है इसका सर्कुलर पार्ट को आप यहाँ से क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो इस सिलेंडर का रेडियस आपको यहाँ पर गिवन है 1.5 मीटर, तो सर्कल का एरिया हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर जिसको हमें सिल्वर पेंट करना है, सरफेस एरिया ऑफ सिल्वर पेंटेड स्पेयर इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे अपर सर्कुलर पार्ट ऑफ सिलेंडर, जो कि इसके ऊपर किस लिए लगा हुआ है, फॉर सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको क्यों हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिया। स्फेयर का फॉर्मूला हो गया हमारा टोटल सरफेस का 4πr² और जो सर्कुलर सिलेंडर का पोर्शन है जो मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर की तरफ दिखाया था, ये तो ये सर्कल है, सर्कल का एरिया हो गया πr². तो आप इसमें से देखो हमारा यहाँ से पाई कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन ले लिया, यहाँ से 4r² बच गया, यहाँ से ये r² बच गया। और नाउ वैल्यू पुट कर ले, पाई आपका हो गया 22/7, फिर 4r², तो कैपिटल आर की वैल्यू आपकी 21/2 का स्क्वायर, फिर माइनस स्मॉल आर, स्मॉल आर की वैल्यू आपकी यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर हो गया। तो इसको ब्रैकेट को हम बड़ा कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 22/7, अंदर हो गया 4, 21 का स्क्वायर होता है 4, 41, 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, फिर माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो हम यहाँ पे इस 4 से इस 4 को कैंसिल नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज रखेंगे क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, तो एलसीएम लेना यहाँ पे ईजी हो जाएगा। तो 22/7 हो गया, इसके डिनोमिनेटर में 4 है, इसके डिनोमिनेटर में 4 है, तो एलसीएम आपका 4 आ गया। तो 4 के टेबल में 4 आता है 1 टाइम, ऊपर 1 से मल्टीपल हो जाएगा, तो ये आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 4 के टेबल में 4 आता है 1 टाइम, 9 × 1 आपका 9 हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 22/7, तो 441 को जब 4 से मल्टीपल करो, 4 × 1 4 4 × 4 16 का 6 कैरी 1, अगेन 16 और 1 17, −9/4 हो गया। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे सब्ट्रैक कर लो, तो ये हो गया 22/7, 1764 में से 9 गया, तो ये बचेगा 1755/4 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लो, 2 के टेबल में ये कैंसिल, 2 के टेबल में आया ये 11 टाइम। अब यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो 11 को इससे मल्टीपल करके 14 से आप डिवाइड करोगे, 7 × 14 है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, इतना तो आप सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेशन, तो ये 1378.928 cm² आ जाएगा। ठीक है, तो 11 को मल्टीपल करना है और 14 से डिवाइड करना है, तो इतना सा आप सॉल्व कर लेना। नाउ हम यहाँ पे हमारे पास ये तो एक स्पेयर का आया सरफेस एरिया जिसके ऊपर हमें सिल्वर पेंट करना है, और हमारे पास टोटल कितने स्पेयर है, 8 स्पेयर है, तो हमें 8 से इसको मल्टीपल करेंगे, तो टोटल वो एरिया जहाँ जहाँ सिल्वर पेंट करना है वो एरिया आ जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ सच टाइप ऑफ 8 स्पेरिकल पार्ट, 8 को हमने 1 के एरिया से मल्टीपल किया, तो ये इसको मल्टीपल करना है इजीली, तो ये आपका आ जाएगा इतना टोटल एरिया जो हमें सिल्वर पेंट करना है। तो नाउ कॉस्ट ऑफ सिल्वर पेंट ओवर 1 cm², तो सिल्वर पेंट का खर्चा कितना है करने का, 25 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 cm² पे पेंट करने का खर्चा है 25 पैसा। Therefore, cost of silver paint over, और हमारे हमें कितना टोटल एरिया पेंट करना है सिल्वर से, इतना एरिया, तो 25 से इसको मल्टीपल कर देंगे, 1 cm का गिवन है, इतना सेंटीमीटर मल्टीपल कर दिया। पर कभी भी किसी को भी हम पेमेंट करते हैं वो पैसे में नहीं करते हैं, रुपए में करते हैं, तो इस पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब आप 25 को इससे मल्टीपल कर लो और डेसिमल आप 2 और नंबर आगे लगा देना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2757.85 rupees। ठीक है, नहीं तो ये 25 से कैंसिल कर लो, 4 टाइम हो गया, और 4 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, यानी कि टोटल इतना पेमेंट आपको सिर्फ इस स्पेयर को पेंट करने के लिए देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या कहा है, अब सिलेंडर को भी हमें पेंट करना है ब्लैक कलर के पेंट से, तो उसका भी खर्चा है सेम, ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। तो इस शेप को अच्छे से देख लो, इसका भी टॉप वाला सरफेस यहाँ से कवर्ड हो गया, बॉटम वाला सरफेस यहाँ से कवर्ड हो गया, क्योंकि ये दोनों इस तरफ से अटैच है, तो सिर्फ इस सिलेंडर का हमें क्या चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ही चाहिए, जैसे कि अभी ये वाला, ये देखो ये वाला, तो ये टॉप नहीं चाहिए, बॉटम नहीं चाहिए, सिर्फ हमें यहाँ पे ब्लैक कलर का पेंट करना है, तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ही हमें यहाँ पे चाहिए। तो इस तरह से ये सिलेंडर हो गया, तो कर्व्ड सरफेस या एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल सपोर्ट कितना होता है, 2πr(h) होता है। वैल्यू पुट कर लो, 2 × π हो गया 22/7, रेडियस को मैंने पीछे सॉल्व किया था तो 3/2 आ गया, डेसिमल हटा के सॉल्व किया, और एच आपका यहाँ पे कितना है 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 22 × 6 66 cm² हो गया। और टोटल कितने सिलेंडर है हमारे पास, इस तरह के 8 सिलेंडर है, तो 8 का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो हमने 8 से यहाँ पे मल्टीपल कर लिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 8 सर सिलेंड्रिकल सपोर्ट 66 × 8 528 हो गया, यानी टोटल हमें इतना सरफेस है जिसको हमें क्या करना है, ब्लैक कलर से पेंट करना है। तो कॉस्ट आपको गिवन है, गिवन कॉस्ट ऑफ ब्लैक पेंट ओवर 1 cm² ऑफ सिलेंड्रिकल सपोर्ट 5 पैसा पर cm², 1 cm² पे पेंट का खर्चा हमें दिया हुआ है, तो 528 का कितना हो जाएगा, तो 1 का दिया हुआ ज़्यादा का फाइंड करना है, तो 5 से मल्टीपल कर देंगे, तो ये हो गया आपका यहाँ पे, जब आप इसको 5 से और 6, फिर पेमेंट हम यहाँ पे कभी भी किसी को पैसे में नहीं करते हैं, तो आपको जब भी पेमेंट पैसे में गिवन है उसको रुपए में चेंज करना है, तो 100 से आप डिवाइड कर दो, तो इसको सॉल्व कर लो, 8 × 5 = 40 का 0 कैरी 4, 5 × 2 = 10 + 4 = 14 का 4 कैरी 1 = 25, और
26, तो ये हो गया 2640। डिनोमिनेटर में आपके यहाँ पे क्या है, दो जीरो है, तो दो जीरो के बाद में यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यानी कि इतने रुपीज़ हमें ब्लैक कलर पेंट करने के देने पड़ेंगे। फिर आपको क्या करना, टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, यानी टोटल खर्चा कितना देना है सिल्वर कलर पेंट और ब्लैक पेंट करने के लिए। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंट रिक्वायर्ड इक्वल टू, अब पहला वाला जो था 2757.85 और अभी वाला है 26.40। तो सम कर लो यहाँ पे, 5 + 0 = 5, 8 + 4 = 12, 12 का 2 कैरी 1, डेसिमल का डेसिमल 7 + 7 = 14 का 4 कैरी 1, तो ये आपका हो गया 5 और 3 8 हो गया, ठीक है। फिर 27 आपका एज इट इज, तो टोटल हमें इतना पेमेंट करना पड़ेगा ये पेंट कराने के लिए। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।